अच्छा लाओ तो। धन्यवाद। जो ऑर्डर है और इसके अंदर है जोलो चिप, क्योंकि जोलो चिप का हम एक चैलेंज करने वाले हैं और वो हम कल की वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग में इस वीडियो में करने वाला हूँ कि देखते हैं इस जोलो चिप के अंदर क्या हमको देखने को मिलता है। और जोलो चिप्स, अगर कुछ लोग नहीं जानते कि वो क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, ये एक वर्ल्ड बहुत ज़्यादा समझ लो तेज लगने वाली मिर्च है जो काफ़ी फेमस है। तो सबसे ज़्यादा तेज मिर्च आज मेरे पास है और कल हम इसकी वीडियो बनाने वाले हैं जोलो चिप चैलेंज की। और देखते हैं 5 मिनट कौन इस चिप्स को खा के लगातार बिना पानी के बैठा रहता है, देखते हैं उनकी हालत कल क्या रहेगी। तो आज की वीडियो में पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो डेंजर चीज, और देखने में तो भाई इसकी पैकिंग बड़ी खतरनाक है और पीछे लिखा भी है, वार्निंग भी लिखी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे वार्निंग, नॉट एवरीवन विल एंजॉय द एक्सट्रीम हीट। तो कितना हार्ड होने वाला आप सोच सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी MRP भी आप देख सकते हो, 199 रुपये, और वो भी मात्र कुल 5 ग्राम, ज़्यादा नहीं आता, बस ये रस का नेट वेट 5 ग्राम। तो चलिए अब हम इसको, पैकिंग बहुत अच्छी बनाई है इसकी, मतलब देखने में बहुत डेंजर लग रहा था, सोचो अंदर क्या चीज़ होगी इसके। तो बड़ी दुख की बात बस ये है कि ये कुल 5 ग्राम का है जोलो चिप। यही है क्या बस? हाँ, यही है बस। ओ माय गॉड, तो भाई इसके अंदर तो कुल ये निकला है, और इसके साथ भी शायद एक पैकिंग बहुत धांसू की हुई है भाई इसकी। एनी लास्ट वर्ड्स, मतलब पूरा ऐसे बनाया हुआ है जितना डेंजर वो दिखाया जा सके उतना। देखे देखे ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहे होंगे, और साथ ही साथ ये आया है इस पैकिंग में, कुल हमें ये मिला है ये। तो ये है जोलो चिप बहुत ही हल्की पैकिंग के साथ, बस एक चिप्स है इसके अंदर, ये 5 ग्राम का। तो वर्ल्ड की जो पूरी दुनिया की सबसे तेज मिर्च है वो इसमें इस्तेमाल हो रखी है। कल घर में से एक आदमी खा के देखेगा कि कैसा है, कितनी मिर्च है इसके अंदर, चैलेंज है इसका बस एक। कभी पता लगा वो कुतार हो जाए। तो पापा यहाँ पे भी इसके बारे में पूछ के गए हमसे। इसका जो चैलेंज हम कल वाली वीडियो में आपको करके दिखाएंगे। तो अभी मैं इसको रख देता हूँ और आगे का व्लॉग शूट करता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी इसकी अनबॉक्सिंग, और बस अब तो कल की वीडियो का इंतजार है, कल के व्लॉग में हम इसे कैसे शूट करेंगे जोलो चिप को। अब खाना वाना तो हम खा नहीं सकते आज, क्योंकि आज है सबका फास्ट और मेरा भी फास्ट है, और यहाँ पे अभी थोड़ा फोटो शूट चल रहा है, क्योंकि आज सबने थोड़ा महाशिवरात्रि की वजह से अच्छे से सबने कपड़े पहने हुए हैं। मोटा भाई ने भी मोटा भाई भी तैयार है, तो इनको सेल्फी लेने दो। अब आगे करने शुरू करते हैं अपना फास्ट में, तो ये चीज़ ज़बरदस्त है बस, है नहीं? धूप का मज़ा, आस्था भी बढ़ती है। आज हमारे घर में लगभग सारे के सारे हम बढ़ती हैं, मम्मी भी, चाची जी भी, आस्था भी, भाभी जी नहीं है, है ना भाभी जी? हो नहीं है, मनस्वी भी है और प्रज्ञा भी है, टूटू, और मैं भी हूँ खुद। तो सब अब बस ये डाइटिंग है इनकी, मतलब बढ़ती वाले दिन ये चीज़ें ऐसे ऐसे खाते हैं, चुलाई के लड्डू खाते हैं फास्ट वाले दिन, केला हो गया, पपीता हो गया, ये सब आज इनका चल रहा है। खाओ जाओ, सेहत बनाओ जाओ, मनस्वी अंदर है अभी, वो कुछ काम करती है। लेके तुम ये फास्ट का बहाना, तुम राशन तोड़ो दुगना तिगना है, क्या तरीका आयो? भाभी जी तो थम ही ना थम रही, डबल डाइट चली आज भाभी जी की, क्या मम्मी? नहीं खाना तो है ही, क्या मैं तो खाया ना, अच्छा करवा चौथ का बिल्कुल सूखा रहता है दिखे बिना पानी का। चलो खा लो राशन अपना, और कुछ रह रहा वो भी लिया उठा के, है नहीं? लड्डू तो है और क्या, और भी कुछ खाए लोगे? अभी केले खाएंगे, उसके बाद पपीते तोड़ेंगे। अच्छा और फिर हमें भी खा लियो, हमारी कैसे रह जा। प्रज्ञा ने कोई डेकोरेशन की है, प्रज्ञा की डेकोरेशन देख लो। अरे मेरी भाभी तो हो ही सकती है, मेरी घरवाली है देव सेना, तो पीछे आप देख सकते हो भाभी के बर्थडे पे प्रज्ञा और मनस्वी ने मिलके डेकोरेशन की है। तो अभी मुझे कुछ लेने जाना है, तो आप देख सकते हो भाई सुंदर लगे हुए मिले। तो अभी हम तैयारी में लगे हुए हैं, आगे का प्रोग्राम तय करते हैं और देखते हैं क्या होता है, कैसे कैसे सेलिब्रेट करेंगे। Two hours later.
तो भाई लोग, मैं मार्केट गया हुआ था और मार्केट से भाभी जी के लिए कुछ लेके आया हूँ। अभी भाभी जी को नहीं पता वैसे तो जो गिफ्ट देने हैं। अंदर म्यूजिक की बहुत आवाज आ रही है, बंद कर रखे हैं सबने, अंदर इंजॉय चल रहा हो। कुछ सामान लेके आया था भाभी जी के लिए, ये गिफ्ट है, वो आपको भी बाद में दिखेगा। अंदर चलते हैं, देखते हैं कितना वो एंजॉय चल रहा है अंदर। मम्मी भी आ गई। कैसा लगा आपकी गिफ्ट, ये बताओ। बहुत सुंदर। तो ये भाभी जी के ब्रदर की तरफ से है और शिवम भैया की तरफ से गिफ्ट आया है। अब वो बोल रहा था कि कल आएगा। मैं आज इसीलिए था, शाम को मुझे जाना पड़ा और भाई भाभी दोनों आ गए इसमें। बहुत बढ़िया फोटो, और भाभी जी को बहुत ही अच्छा गिफ्ट लगा। और अभी इनका डांस चल रहा था, मैं बीच में आया तो मुझे लग रहा था म्यूजिक की आवाज सुन के मगर ये सारी मस्ती कर रहे होंगे, सारे के सारे, मम्मी भी चाची भी सब कर रहे थे, तो मेरी वजह से थोड़ा सा ये रुक गया। बहुत पर भाभी तो घनी खुश होगी। थैंक यू। निकाल के दे इसमें से, निकाल के दिखा। ओह माय गॉड, कप कितना सुंदर। चॉकलेट। मेरा कल कप टूट गया था तो आज मुझे नया कप मिल गया। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। और एक मिनट, ये इसकी पसंद थी मैंने स्वीगी, बच्चा बेबी की मतलब। ओह मम्मी का गिफ्ट, बहुत गिफ्ट हो गए। आज से लाइट जलाया सारी, बहुत बढ़िया। और एक एक सरप्राइज हो जाएगा भाभी जी, भाभी जी एक और है अभी आपका गिफ्ट। थैंक यू भैया, थैंक यू। क्या आपको अपना बर्थडे बर्थडे जैसा लगा? हाँ, अब लगा। आज शिवरात्रि थी तो आज खाने पीने का कुछ नहीं हो पाया दोपहर ना। हाँ। कल पक्का पार्टी होगी, आज थोड़ा सूखा सूखा रहा शिव महाशिवरात्रि की वजह से। देखो एक कप ऐसी चीज है, देखा जाएगा। हाँ। कप लंबे समय तक चलने वाला, और आदमी जब जब चाय या कुछ भी पिएगा उसे याद आता रहेगा। ये भी, ये स्टील का कप है, बेहतरीन, बहुत सुंदर। मतलब गिफ्ट दो ऐसा, तो भाई मतलब चलने वाली चीज, बिल्कुल याद। ये नहीं कि कोई दिया खाया पिया खत्म। भूल जाए आदमी भी। नेक्स्ट, आज तक आज तो खुलवाओगे ये वाला। हाँ, आज तक खोल ये वाला भी, खोल। उसमें भी कप है ना, अच्छा जोड़ा हो गया इन दोनों, इन दोनों का जोड़ा हो गया। ये चाची की तरफ से है क्या? ये भी स्टील का ही है ना, बहुत सुंदर। मनस्वी और प्रज्ञा दोनों ने मिलके ये डेकोरेशन की थी भाभी जी के लिए स्पेशल, बहुत सुंदर। वाइटिंग, हाँ गिफ्ट बहुत अच्छा रहा भाभी जी, आपको मिला के दिन आज का। तो गाइज आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, तो आज हम अपने व्लॉग को रात के 9 बजे एंड कर रहे हैं। और आज महाशिवरात्रि थी इसलिए हम आज बर्थडे में कोई ट्रीट वीट नहीं दे पाए, पर उम्मीद है आपको ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो बस जो कहना चाह रहा हूँ वो कर देना, ठीक है गाइज। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में जल्दी कल।